आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ग्यारस यानी कि एकादशी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धन की इच्छा वाले को धन, संतान की चाह वाले को संतान व अन्य जो भी शुभ कामना मन में की जाती है वह भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अपने पुत्र के साथ रहता था। दोनों पिता पुत्र पूजा पाठ कर्म कांड कर अपनी गुजर बसर करते थे। ब्राह्मण का ये नियम था कि वह हमेशा एकादशी का व्रत रखता, श्री हरि की पूजा करता, कथा का श्रवण करता और घर में जो भी फलाहार होता उसे ग्रहण कर अपना व्रत पूर्ण करता। आंधी आए, मी आए, तूफान आए, लेकिन वह ग्यारस का व्रत करने से नहीं टलता था। एक समय ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया और अब ब्राह्मण के घर पुत्र वधु आ गई। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पुत्र वधु से कहा, बेटी मैं एकादशी का व्रत करता हूँ और कल एकादशी है, कल मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। घर में जो भी फलाहार हो तुम मुझे दे देना। बहू ने कहा, पिताजी घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फलाहार के रूप में दे दूँ। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है कोई बात नहीं, कल तुम मुझे चार बार चाय बना देना, मैं चाय पी कर ही व्रत रखूँगा। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा, नहा धोकर पूजा पाठ किया, भगवान विष्णु का नाम ले एकादशी व्रत रखा और बहू को आवाज़ दी, बेटी चाय बना दो। बहू ने कहा, ठीक है और वह चाय बनाने लगी। इतने में पड़ोसन बहू के पास आई और बोली, क्या कर रही हो? बहू ने कहा, आज मेरे ससुर जी ने एकादशी का व्रत किया है, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, ठीक है और यह कहकर वह चली गई। तीन चार घंटे बाद पड़ोसन ने सोचा, अब बहू का काम खत्म हो गया होगा, अब जाती हूँ उससे कुछ बातें करूँगी। पड़ोसन फिर से आई, बहू को आवाज़ लगाई, क्या कर रही हो? बहू ने कहा, मेरे ससुर जी का एकादशी का व्रत है, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन यह सुनकर फिर से चली गई। तीन चार घंटे बाद पड़ोसन फिर से आ गई और बोली, अब तो चार बज गए हैं, नई बहू का काम खत्म हो गया होगा। उसने फिर से बहू को आवाज़ लगाई, बहू आई और बोली, चाय बना रही हूँ, मेरे ससुर जी का एकादशी का व्रत है, घर में कुछ फलियार तो है नहीं, बेचारे चाय पीकर व्रत कर रहे हैं। पड़ोसन फिर से चली गई। शाम को 7-8 बजे पड़ोसन फिर आ गई कि अब तो पक्का नई बहू का काम खत्म हो गया होगा। आकर बहू को आवाज़ लगाई, बहू ने वही उत्तर दिया। पड़ोसन फिर से वापस चली गई। अगले दिन पड़ोसन फिर से बहू के पास पहुंच गई और बोली, बहू क्या कर रही हो?
बहू ने उसे अंदर बुलाया। पड़ोसन ने कहा, कल मैं 4 बार तुम्हारे घर आई, लेकिन तुम काम में व्यस्त थी, तुम्हारे ससुर भी घर पर थे। बहू ने फिर से सारी बात दोहरा दी। पड़ोसन ने कहा, अगर तुम ऐसे ही 4-4 बार चाय बनाकर देती रहोगी तो तुम्हारा काम तो खत्म ही नहीं होगा। अब जब अगली बार एकादशी का व्रत आए तो तुम अपने ससुर को व्रत मत रखने देना, चाय बनाने से मना कर देना। यह कहकर पड़ोसन चली गई। बहू सीधे मन की थी, वह पड़ोसन की बात समझ ना सकी। अब जब अगली एकादशी का व्रत आया तो ससुर ने बहू से कहा, बहू आज मेरा एकादशी का व्रत है और तुम आज फिर से 4 बार चाय बना देना। बहू ने कहा, पिताजी अब व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चाय बनाकर नहीं दूंगी। पड़ोस में इतने बड़े बुजुर्ग हैं, कोई एकादशी नहीं रखता। आप अपनी इस एकादशी को या तो किसी को दे आओ या बेच आओ। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। ये कैसी बहू आई है जो अभी ऐसा कह रही है, आगे चलकर मेरे साथ क्या करेगी, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ। ऐसा सोच दुखी हो ब्राह्मण ने अपना गमछा लिया और नंगे पांव ही घर से निकल पड़ा और सोचा, अपनी एकादशी किसी को दे मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण चलता जाए और कहता जाए, कोई मेरी एकादशी खरीद लो, कोई मेरी 11 खरीद लो। जब ब्राह्मण ऐसा कहता हुआ जा रहा था तो नगर की रानी अपनी महल की छत पर खड़ी थी। ब्राह्मण को ऐसा कहते देख रानी ने अपनी दासी को कहा कि जो ये आवाज लगा रहा है कि एकादशी खरीद लो, उसे बुला कर लाओ। दासी ब्राह्मण के पास गई और उसे महल में बुला लाई। रानी ने पूछा, तुम कौन हो और ये क्या बोल रहे हो। ब्राह्मण ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने सोचा, ब्राह्मण देवता हैं, वक्त के मारे हैं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। रानी ने कहा, अगर मैं आपकी एकादशी खरीदूंगी तो क्या आप मुझे दोगे। ब्राह्मण ने कहा, हाँ मैं आपको अपनी एकादशी दे दूंगा। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने तकड़ी बट्टा मंगवाया और ब्राह्मण से कहा, इसके एक पलड़े में आप बैठ जाओ और दूसरे में मैं धन रखूंगी। जितना धन आपके वजन जितना होगा उतना मैं आपको एकादशी के बदले दे दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, मेरे बैठने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर ब्राह्मण ने अपना गमछा तकड़ी के एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ रानी ने चांदी के सिक्के रखे, लेकिन पलड़ा न उठा। रानी ने फिर से सिक्के डाले, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। धीरे धीरे रानी धन डालती जाए, लेकिन दूसरी तरफ का पलड़ा तस से मस नहीं हुआ। बात राजा तक पहुंची, सारे नगर में फैल गई। राजा आया, धन डालता जाए लेकिन पलड़ा ना हिले। राजा रानी घबरा गए, सोचने लगे कि आज तो राज पाठ जाएगा। दोनों एकादशी माता को हाथ जोड़ें, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें कि हमने एकादशी व्रत को खरीदने की भूल की है, लेकिन कुछ ना हो। बात फैलते फैलते ब्राह्मण की बहू के पास भी पहुंच गई। वह भागती भागती महल में पहुंची, देखा
एक तरफ तो ससुर जी का गमछा है और दूसरी तरफ धन के ढेर लग रहे हैं। बहू ने भागकर अपने ससुर का गमछा उठा लिया। गमछा उठाते ही तकड़ी ऊपर उठ गई। बहू अपने ससुर के पैरों में गिर गई और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उधर राजा रानी ने भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, अपनी भूल का पश्चाताप किया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दौलत देकर साथ ही 5 गांव भी उपहार स्वरूप भेंट किए। हे ग्यारस माता, हे एकाची माता, जैसे आपने ब्राह्मण देव के सत की लाज रखी, ब्राह्मण के संकट दूर कर धन दौलत सुख समृद्धि दी, वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर सुख शांति व ऐश्वर्य से भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।